आज वेदर बारिश वाला, लेकिन मैंने फिर भी मशीन लगाई है और वेदर के अकॉर्डिंग ही कुछ चटपटा सा बनाने जा रही हूँ। लौकी के गट्टे रेसिपी सामने ही है। दही में थोड़ा सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, जीरा सब डाल लीजिए। थोड़ा प्याज एक कटिंग कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट को ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें हम आटा डाल देंगे। आटा और बेसन, आप चाहें तो पूरे आटे के या बेसन के बना सकते हैं, पर मिक्स करके मैंने बनाया और फ्राई करना है उनको फिर खाने के लिए। तो ये मैं इसमें आटा ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा बेसन ऐड कर देंगे। एंड वन मोर थिंग, बेकिंग सोडा डालना बिल्कुल नहीं भूले क्योंकि उसी से सॉफ्ट बनेंगे। तो ये बेसन डाल लिया और लौकी, क्योंकि लौकी की गट्टे बना रहे हैं तो लौकी डालना तो ज़रूरी है। और इसे अच्छे से मिक्स करके और उसका डो बना लेंगे। बेकिंग सोडा डालना है, देखो मैंने कहा था थोड़ा डालना, अब पिंच मतलब दो पिंच डाल दीजिए एज पर क्वांटिटी। तो पकौड़े वकौड़े खा के मतलब हो गया था, फिर ये खा के मतलब बनाना मैंने इसको शुरू करा था, उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें बनाती चली गई, बहुत सारी मतलब खाना। 8:30 बजे में 11 बजे पीटीएम थी तो बस खाना बनता ही चला गया। और ये मैं आटा लगा के और इसको फिर मतलब राउंड सिलेंड्रिकल शेप में बना लेंगे आप, देन इसको स्टीम कर देंगे। स्टीम कर ले या आप बॉईल करें, बेटर होगा कि स्टीम कर ले क्योंकि और पतले बनाए एज पर अपने साइज़ भी चेंज कर सकते हैं नो डाउट। तो ये मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है क्योंकि थोड़ा कटिंग बड़े बड़े से हो जाएंगे और फूलते भी हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और स्टीम इडली वाले कुकर में कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप पतीले पानी भर के ऊपर छलनी रख के और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मतलब दिन ऐसा था, स्टीम पे लगा दिया मैंने और ये आटा भी लगा दिया है। अच्छा वेदर होता है तो मैं जल्दी, बहुत जल्दी से मतलब काम करती हूँ, रसोई मुझे लगे रहना भी अच्छा लगता है, लेकिन धूप में मुझसे काम नहीं होता है। तो ये रोटी का आटा लगा दिया, सब्जी वगैरह सब बना रही थी। तो ये देखिए गट्टे तैयार हो गए एटलीस्ट 20 मिनट्स में, तो ये साफ़ निकल रहा है। इसको थोड़ी देर स्टीम में रहने दूँगी, बाद में छौंकेंगे जब खाएँगे। और मेथी मिर्ची बना रही हूँ। मेथी क्या होता है कि भिगोती हूँ उनके लिए पानी, तो रोज़ तो खाते नहीं, थोड़ी सी बची रहती है 2-3 दिन की, खट्टी होती है, तो उसको मैं अच्छे से धो के और देन बॉयल करके मेथी मिर्ची बना लेते हैं। अच्छी लगती है दाल चावल वगैरह के साथ में साइड डिश के तौर पर। तो मेथी मिर्ची फटाफट से बनाऊँगी और थोड़ा नाश्ते में पास्ता ही बना, क्योंकि भाभी का जो बेटा था वो यहीं था, तो मैंने कहा चलो खाते हैं बच्चे पास्ता, तो थोड़ा पास्ता बनाया था, पास्ता इन द सेंस यहाँ मतलब मैक्रोनी बनाई थी, अनियन और टोमेटो यानी प्याज टमाटर डाल के और थोड़ी सी सोया सॉस, तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है, अक्सर क्या होता है सिंपल बनाते हैं क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो ये नहीं खाते प्याज वाले, तो हस्बैंड को ये पसंद है, हबी को, हबी मुझे कहना पसंद नहीं, मुझे हस्बैंड ही ठीक लगता है। तो थोड़ी सोया सॉस डाली उसमें बस, तो पास्ता भी बन गया, मतलब ये था कि नाश्ता भी कर लेंगे और देन लंच भी तैयार हो जाएगा जो भी जैसा करना चाहें, क्योंकि कहीं से घूम के और मुझे फिर खाना बनाना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने फटाफट बना के हम लोग एटलीस्ट 10:30-11 तक तो हम निकल लिए थे। तो ये मैक्रोनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा टेस्ट भी कर लिया मैंने। तो ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है, आटा लगा के रख दिया क्योंकि रोटी जब खाएंगे मैं बना दूँ, मतलब बना के ही गई थी एक्चुअली। और मेथी मिर्ची तैयार है, पास्ता तैयार है, नाश्ता भी उठे नहीं भी। तो ये और जो मैंने कल छोले बनाए थे उसकी इमली बची हुई थी, तो मैंने ये तांबे के बर्तन पर रगड़ दिया और बहुत लिटरली बहुत साफ़ हो गए थे। तो खटाई से होते हैं तांबे और पीतल वगैरह के बर्तन। और ये पीटीएम में फिर हम 11 बजे के आसपास निकल गए थे, सर पे पल्ला रख के निकलती हुई थोड़ा अभी है। और बारिश आज बहुत अच्छी थी, मतलब दिल जो है ना खुश हो गया था एकदम, ऐसी बारिश थी।
और आगे जाते थे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो मेरा तो दिल करता है कि ऐसा ही मौसम रहे तो वाह वाह मज़े आ जाए, फिर तो क्या कहने, रोज़ ऐसे रहे, बारिश हो या ना हो पर वेदर ऐसा रहना चाहिए। अभी हो रही है बाड़मेर में बारिश और हम लोग जा रहे हैं पीटीएम में। मौसम पिछले 2-3 दिन से बना हुआ और अच्छा बना हुआ है काफी, तो इसीलिए बस निकल गए हम लोग पीटीएम के लिए। पीटीएम तो एक बहाना है बस बारिश में घूम के आना है। तो सिटी सेंटर के पास अच्छा वहाँ से नहीं है। ये क्या क्राउन प्लाजा, ये भी वो टाउनशिप है क्राउन प्लाजा आशा पूर्ण वाले की। ऐसी बारिश में खाने चाहिए थे छोले भटूरे। कल होने चाहिए थे, अभी तो खा लेते हैं। कल होनी चाहिए आज होनी चाहिए, कल मतलब जो बीत गया उस पे कल होनी चाहिए थी। क्रॉस सीधा नहीं है ना, इधर ये दो ज्यादा, इधर एक बीच में नहीं होना चाहिए था, ऐसे होता ही है ना, इधर है ना बीच में, इधर तेज तेज हुई मत करो इसको, क्यों तेज कर रखा है, धीमे करो इसे। ये देता तो कार साफ पे पानी रन कर दूं जल्दी, नहीं दिखता नहीं। अच्छा मुझे क्या पता, करो तो फिर तेज करो। वेदर जो था बहुत ही, देखिए कितना काला घना घिरा हुआ था, खतरनाक वाला हो गया था, और ऐसे में हम लोग उत्साहित थे पीटीएम में जाने के लिए। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई थी, बस मतलब 20-25 मिनट हुई, और देखिए कितना मतलब अच्छी सी खुशबू आती है ना, वेदर खुल जाता है, कुछ बढ़िया सी फीलिंग आती है मतलब कुल मिला के। तो बेटा केवी में है तो बॉर्डर सिक्योरिटी वालों की बस खड़ी है, उसको अपन दरवाजे कभी नहीं चले, सर्दियों में हीटर गर्मियों में एसी, कभी कभी तो लेना चाहिए जब है। इतना अच्छा वेदर रहता तो मैं मतलब बता नहीं सकती कि मुझे कितनी कितनी खुशी होती है। और ये हम आए हैं यहाँ, पार्क बना है आजकल जो सेल्फी पॉइंट जिसे बोलते हैं, तो सेल्फी पॉइंट बाहर है, मतलब पूरा बाग ही है, बाग गार्डन बनाया हुआ जो है। तो ये देखिए बाहर राजस्थानी कल्चर, ऊंट और ये सब, पधारो हमारे देश, गार्डन को साफ सुथरा रखें, कोटेशंस लगी हैं। तो अच्छा बनाया है, एक ये अंडर ब्रिज बनाया हुआ है। गुड़ल मेरा सूख गया, गुड़ल लेना, गुड़ल गुड़ल टूट, गुड़ल गुड़ल लेना है। अंधेरा आ रहा है, अंधेरा 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 क्यों हो रहा है, क्या
बाड़मेर। तो ये बाड़मेर का सेल्फी पॉइंट था, और जो मेन जहाँ पे लिखा रहता ना वो आई लव बाड़मेर, आई लव मुंबई जो बने हुए हैं वहाँ, उसके आगे पानी काफ़ी भरा हुआ था। तो हम जाने पे और देखे कैमरे लेके लोग जा रहे हैं, मतलब यूट्यूब तो बस बन गया है, ऐसा पूछो मत। और बारिश हो और भुट्टे ना खाए जाएँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। और हस्बैंड तो बेहद शौकीन है, मैं थोड़ा कम खाती हूँ। दूसरी बात कि मैंने जो एकदम ताज़े खेत वाले जो भुट्टे खाए हुए हैं तो मुझे थोड़े कम पसंद आते हैं, बट इवन फिर भी भूख लगी थी तो मैंने कहा सुबह सुबह इसको खा लेते, टाइम भी था, एक बज चुका था हमें आते आते तो। और इतना ये पका हुआ भुट्टा था एक्चुअली, जैसे पकड़ा हुआ है ना, ये खाते हुए गिर गया नीचे मेरा और इन्होंने मुझे बोला कि तेरे हाथ में जान नहीं, और जैसे ही इन्होंने मुझे कहा और उनके हाथ से भी गिर गया, मैंने कहा भी तुम्हारे हाथ में जान नहीं मतलब इतने पके हुए थे कि हाथ में नहीं, मतलब जो डंडा होता है उसके उसके सहारे ही नहीं रुक रहे थे। बट भूख पे कहते हैं भूख ना देखे पापड़ क्या होता है, नींद ना देखे टूटी खाट, और भूख ना देखे बासी भात, वो देखे उनका भी भुट्टा गिर गया सो बस भुट्टा उट्टा खाते हुए, मतलब आज काफ़ी दिन के बाद एक अच्छा दिन बिता दिया था। और हम लोग फिर थोड़ा जाम में स्टक हो गए क्योंकि बारिश थी, दूसरे साइड पे पानी भरा हुआ था तो वन वे ही चल रखा था। तो ओवरऑल वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।